आज के सेशन में हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वीडियो AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेशन की स्टडी उनके सेमेस्टर 1 में बिजनेस इंग्लिश में और सेमेस्टर 2 में बिजनेस इंग्लिश में, ये दोनों पेपर्स में पढ़नी पड़ती है। इंग्लिश ग्रामर उनका सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें टेंस, वॉइस और नरेशन भी आता है। नरेशन वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, आज की इस वीडियो में, मैं आपको नरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपको कोई रूल्स के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। मैं केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके लिए आगे की पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी नरेशन की, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझे हुए होंगे कि आखिर नरेशन होता क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो नरेशन जो वर्ड है, ये वर्ड बना है नैरेट से, रूट वर्ड इसका नैरेट है, जिसका मतलब होता है कथन, यानी किसी की बातों को कहना। तो नरेशन का मतलब होता है किसी की बातों को कहना, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। आपकी सुविधा के लिए मैं इस सेंटेंस को बोल के बता देता हूं। सेंटेंस है, आई एम रीडिंग दिस बुक दीज डेज इन दिस लाइब्रेरी विद यू। अब ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। आई एम रीडिंग दिस बुक दीज डेज इन दिस लाइब्रेरी विद यू। लेकिन ये बात मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको इस पिक्चर को देखिए, फिर आपको और समझ में आएगा। ये एक लाइब्रेरी का सीन है, जिसमें एक स्टूडेंट इमेज का बैठा हुआ है और दूसरी बच्ची पीछे बैठी हुई है, और ये बच्चा कह रहा है कि आई एम रीडिंग दिस बुक दीज डेज इन दिस लाइब्रेरी विद यू। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा है, ये कहना चाहता है कि ये जो लड़का है, छात्र, ये कहना चाहता है कि ये इस किताब को, ये वाली किताब को जो यहां पर है, इन दिनों, जब का भी जिक्र चल रहा है, आज की बात नहीं हो रही है, जब वो कह रहा था उन दिनों की बात कर रही है, इस लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी नंबर 1, समझ में, 3 लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी नंबर 1 है, विद यू, यू यानी इस लड़की के साथ। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि ये यही कहना चाहता है, आई एम रीडिंग दिस बुक दीज डेज इन दिस लाइब्रेरी विद यू। नाउ इमेजिन करिए कि यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और जब मैं पहुंचाना चाहता हूं तो इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि राहुल, इमेजिन करिए कि इस बच्चे का नाम राहुल है और इस बच्ची का नाम मोना है। तो राहुल कह रहा है मोना से कि आई एम रीडिंग दिस बुक दीज डेज इन दिस लाइब्रेरी विद यू। अब इस बात को समझिए, इसे मैं कैसे कहूंगा, इसे मैं ऐसे कहूंगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि किसने किसको कहा। तो कहने वाला कौन है? राहुल। और उसने ये बात किसको कही? मोना। यानी राहुल ने मोना को कहा, और उसने क्या कहा? उसने जो भी कहा वो हमने यहां पर लिख दिया। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसमें बातों को जस का तस, यानी एज इट इज रख दिया गया है, जस का तस। राहुल ने मोना को कहा, आई एम रीडिंग दिस बुक दिस डेज इन दिस लाइब्रेरी विद यू। बातों को एज इट इज रख दिया गया। इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं? स्पीच तो है क्योंकि किसी ने कहा है, और डायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर जैसा उसने कहा वैसा ही हमने बोल दिया, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या मेरे कहने का मतलब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर नरेशन को अगर हम लोग देखें, क्योंकि नरेशन का मतलब ही होता है नरेट करना, किसी की बातों को कहना, तो राहुल, समझने की कोशिश करिएगा, राहुल ने मोना को कहा था, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं राहुल और मोना, कि आई यानी कौन, तो राहुल रीडिंग दिस बुक, ये वाली किताब वो पढ़ रहा है, दीज डेज, इन दिनों, इन दिस लाइब्रेरी विद यू। यू यानी किसका जिक्र कर रहा है वो? यू यानी वो मोना को कह रहा है। अब यही बात एग्जैक्टली मैं कह दूं कि भाई मैं किसी की बातों में कोई बदलाव नहीं करूंगा, और यही स्टेटमेंट अब मेरे मुंह से सुनिए, आई एम रीडिंग दिस बुक इन दिस लाइब्रेरी विद यू। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अब इस सेंटेंस का मतलब हुआ आई एम यानी मैं यानी पोदार सर, पोदार सर इज रीडिंग दिस बुक, ये वाली किताब, अभी किताब बदल गई, ये वो किताब नहीं है। इस कहानी में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के दो कैरेक्टर थे राहुल और मोना, लेकिन जब इसी बात को मैं एज इट इज आपको कह देता हूं, तब तो उस कैरेक्टर में मैं आ गया और आप भी आ गए हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि आई एम रीडिंग दिस बुक इन दिस लाइब्रेरी विद यू। जबकि एक्चुअल में जब यह सेंटेंस कहा जा रहा था, तो इस कहानी के कैरेक्टर राहुल और मोना थे, मैं और आप नहीं थे। लेकिन अगर इसकी बात को मैं एज इट इज कह दूं,
कि आई एम रीडिंग दिस बुक इन दिस लाइब्रेरी विद यू, तो इसका मतलब होगा कि मैं, जो कि कहानी का हिस्सा नहीं था, गलत इंटरप्रिटेशन, दिस बुक, क्योंकि मेरे पास दूसरी बुक है, उनके पास दूसरी बुक थी, मैं लाइब्रेरी नंबर 3 में हूं, वो लाइब्रेरी नंबर 1 में थे, और आप तो इस कहानी में कहीं थे ही नहीं, न मैं था, लेकिन इस कहानी में हम आ गए। तो इस बात को अगर हम देखें तो हम क्लियरली समझ जाते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच को उसी तरीके से एज इट इज कह दिया जाए तो उसके मायने बदल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे डायरेक्ट स्पीच को किसी दूसरे तक सही मायने में मैसेज पहुंचाना है तो मुझे उस डायरेक्ट स्पीच में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यह सेंटेंस डायरेक्ट है और इसे हमें करना होगा इनडायरेक्ट। अब ये जो दो तरीके की बात निकली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस पढ़ाई को, इसकी स्टडी को, ये जो होती है कि डायरेक्ट स्पीच से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे किया जाए, इस स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। यानी नरेशन में दो बातें होती है, ध्यान से समझिएगा। एक तो नरेशन में डायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें दो लोग होते हैं, कहने वाला और सुनने वाला। तो कहने वाला राहुल था और सुनने वाली मोना थी, या जिसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन दोनों की कहानी कोई तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति को बताता है। तो यह डायरेक्ट स्पीच है और यह इनडायरेक्ट स्पीच है। मैंने पिछली बार गलती क्या की थी एग्जाम्पल देते वक्त, कि डायरेक्ट स्पीच को मैंने एज इट इज बोल दिया था, जैसा मेरे मुंह से निकला वैसा ही मैंने बोल दिया। तो यह टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। तो डायरेक्ट स्पीच को जब कभी भी हमें इनडायरेक्ट बनाना हो, और वो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैसेज सही से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने की आर्ट है, कला है, इसी को हम नरेशन कहते हैं। तो अब मैं ग्रामर के टर्म्स में आपसे बात करूं तो नरेशन यानी स्टडी ऑफ स्पीच, एंड एनी स्पीच कैन बी सेड इन टू वेज, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड द स्टडी ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज नोन एज नरेशन। आई होप दिस वेरी पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कि अगर डायरेक्ट स्पीच को हम एज इट इज बोल दें तो वैसी कंडीशन में यह गलत हो जाता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर पाता। ध्यान से समझने की बात है। सपोज करिए मैं कह रहा हूं कि माय नेम इज नीरज। अब इस बात को सामने वाले व्यक्ति ने सुना और वो कहता है ही सेड टू मी माय नेम इज नीरज। तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? आप इसका मतलब यह समझेंगे कि सामने वाले व्यक्ति, क्योंकि उसके मुंह से यह सेंटेंस निकला कि माय नेम इज नीरज, तो वो समझेगा कि उसका नाम नीरज है। लेकिन इनडायरेक्ट करते वक्त हमें क्या करना होगा? हमें सेंटेंसेस में कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किए जाते हैं और ये बदलाव रूल वाइज किए जाते हैं। लेकिन अभी के जो मैंने वीडियो बनाया, इस वीडियो का पर्पस था, इस वीडियो का उद्देश्य था कि मैं आपको बता सकूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि नरेशन में हम इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते हैं वो स्पीच की पढ़ाई करते हैं। और किसी भी स्पीच को दो तरीके से कहा जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वेर इन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज सेड एज इट इज। डायरेक्ट स्पीच यानी जहां बोलने वाला यानी स्पीकर बोलने वाले की बात को हम जस का तस रख देते हैं बगैर उसमें कोई बदलाव किए, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना होता है तो वैसी कंडीशन में हमें कुछ बदलाव करने होते हैं। अब इन बदलाव को समझने के लिए समझना जरूरी होगा कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको डायरेक्शन को समझने में काफी मदद करेगा, क्या स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, और क्यों होता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगले सीरीज में जब मैं बताऊंगा तो मैं डायरेक्ट स्पीच और नरेशन के अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना बताऊंगा कि इसके कौन से पार्ट होते हैं और आखिर वो पार्ट क्यों होते हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अगर इस तरह के नॉलेज वाले वीडियोज आपको चाहिए तो आप